आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते। सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समा। संतोष तुमको तृप्ति देता है, लेकिन बिना विवेक के संतोष भी नहीं होता है। किसी सम्राट के पड़ोस में एक गरीब की झोपड़ी थी। गरीब बड़ा खुश रहता था, तो सम्राट सोच में रोज पड़ जाता था, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूं, इसके पास कुछ नहीं है फिर भी ये खुश है, ये खुश क्यों? तो सम्राट की रानी ने पूछा कि इसकी खुशियों का पता लगा लिया जाए। तो राजा ने कहा, पता लगाना मेरा काम नहीं है, जैसे मैं खुश नहीं रहता हूं वैसे इसको भी खुश रहने नहीं दूंगा, इतना काम मैं कर सकता। कितने लोग ऐसे होते हैं, खुद बर्बाद हैं दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। तो राजा ने क्या कहा, रात में एक थैली में सोने के 99 सिक्के ले जाकर उसके द्वार पर रख दिया, गेट के पास में। जब उस गरीब ने गेट खोला और थैली देखा, थैली खोला तो 99 सोने के सिक्के पाया। थैली उठाकर घर लाया, अपनी पत्नी को दिखाया तो पत्नी ने कहा कि ये तो गजब की बात है, आखिर जिसने रखा है उसने 99 ही क्यों रखा है, पूरे 100 रख देता, एक में फर्क क्या था? तो पति ने कहा कि 99 इसलिए रखा है कि इसमें जो एक सिक्का कम उसको पूरा करने की चुनौती दी गई है। तो पत्नी ने कहा, जब वो 99 रख सकता है तो क्या अपन एक कमा कर इसमें नहीं रख सकते, पूरे 100 कर देंगे। अब 99 का चक्कर शुरू हो गया। उस एक को पूरा करने के लिए एक साल तक वो जुटा रहा, लेकिन एक सोने का सिक्का कमा ना सका और थैली में रख ना सका, और जो खुश रहता था खुश भी नहीं रह सका। तो राजा ने रानी से कहा कि देखो अब पड़ोसी खुश है कि नहीं। बोले वो भी हमारे जैसा ही टेंशन में है। बोले वो 99 का चक्कर उसके ऊपर भी डाल दिया हूं जो मेरे ऊपर चक्कर पड़ा था। ऐसा ये दुनिया के अंदर चक्कर चलता है, और इन चक्करों में कभी मत फंसो। आपके पास जो है बहुत है, और जो नहीं है परिश्रम करो वो भी हो जाएगा, और जो परिश्रम से भी नहीं हो रहा है और है भी नहीं और हो भी नहीं सकता है, आज तक हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं, उसकी आस छोड़ दो, तलाश छोड़ दो, प्यास छोड़ दो, संतोष का अमृत पीकर तृप्त हो जाओ और खुश होकर के जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। आपकी उन्नति हो ऐसी मैं शुभकामना करता हूं, आपका विकास हो, और आपकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है, अपनी आत्मा को पहचानो, इस आत्मा के कल्याण के लिए बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु ज्ञान सुनते रहो।